एजुकेशन पॉइंट गाइस, मैं इग्नूज़ के ऊपर वीडियोस बनाती रहती हूँ, जैसे कि कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आता है इग्नू का तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, और अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कोई तो उसके ऊपर भी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि जो इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डेट शीट का नोटिफिकेशन आया है, जो कि मैं आपको पूरी डिटेल में बताना चाहती हूँ किस दिन ये एग्ज़ाम होने वाला है और कौन से ग्रुप में आपका है। सो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि आपका कौन सा ग्रुप है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको आप देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा आ रहा है न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है। गाइज़, मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ, ताकि कुछ भी मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ, और जो गूगल पे सर्च करती हूँ प्रॉपर जो आते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जो भी, तो वही आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने जैसे ही न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट पे गई हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी आ रहा है डेट शीट फॉर जून 2021 की, जो डेट शीट है वो यहाँ पर मेंशन करी हुई है। सो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो आपको करना क्या है, इसको क्लिक करने के लिए यहाँ पर जाना है, क्लिक हेयर फॉर डेट शीट पर जाना है। अब जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा पीडीएफ का, तो मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। टैप टू व्यू कर देना, नहीं हो रहा कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे डाउनलोड टू आइटम सक्सेसफुली आ रहा है, तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका जो डेट शीट है वो ओपन हो गई है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है डेट शीट फॉर जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। गाइज, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाले हैं। सो आप यहाँ देख पा रहे होंगे डेट शीट फॉर जून 2021 में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीजी प्रोग्राम अलॉन्ग विद द बैकलॉग्स इफ़ एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिप्लोमा प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम फ्रॉम 3 अगस्त 2021, यानी 3 अगस्त से आपके जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो वो किन किन के लिए हैं, तो वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट है, मतलब इन शॉर्ट यूजी, जो मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोग्राम कोर्स कर रहे हैं, या फिर उनकी किसी बैकलॉग का है तो वो भी दे रहे हैं। बैकलॉग मीन्स दैट कि अगर इसका मतलब ये है कि जिसकी किसी सपोज वो थर्ड ईयर में पहुंच गए और उनका सेकंड ईयर में एक पेपर रह गया या सेकंड पेपर कोई दो पेपर रह गए, तो वो बैकलॉग में काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो इसमें आपका हो सकता है कि आपको पेपर देने ना दिया जाए। तो आप इस गाइडलाइंस को सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है परमिशन फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन इज़ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, जो दी गई हैं 5 जो आपको कंडीशन दी गई हैं वो आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि रजिस्ट्रेशन जो है आपके कोर्स का वो वैलिड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। वैलिड से मतलब है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, जैसे कि अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड है, जैसे ही आप उसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपका वो लॉगिन हो जाएगा और आपकी पूरी डिटेल दिखाएगा। दैट मीन्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, तो ही आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो आपका असाइनमेंट है, जो कि जो सबमिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको वो सबमिट नहीं है तो भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि इग्नू के असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करना कि मैंने असाइनमेंट के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। तो असाइनमेंट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इसकी 30% वेटेज होती है, तो ये जमा होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे बताइए हैव कम्प्लीटेड मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम कम्प्लीट करना कौन सा वाला ज़रूरी है वो आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पिछले साल अपना इग्नू में एडमिशन लिया था, और अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो गया है एडमिशन लिया, तो ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। यानी आपको पूरा 1 साल कंटिन्यू करना होता है, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, असाइनमेंट भी जमा होने चाहिए, तो ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर फोर्थ लाइन में लिखा है जो आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो भी आपकी पेड होनी चाहिए, यानी कि वो पेड होगी तो ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पांचवी जो लाइन है उसमें बताया नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी अबव कंडीशन द रिजल्ट ऑफ द सच कोर्स विल नॉट डिक्लेयर। रिज़ल्ट आपका कब डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, अगर नॉन कंप्लायंस अगर नहीं है, कोई भी चीज़ अगर आपने इनमें से नहीं करी, वैसे तो आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाओगे।
इन केस अगर आप कोई चीटिंग करते हुए पकड़े करते जाते हो या कोई और अदर आपने कुछ भी गलती कर दी या कोई गलत काम किया तो भी आपका एग्ज़ाम जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और इग्नू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर इंस्ट्रक्शन कुछ कोविड को लेके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड जो है बहुत टाइम से चल रहा है, सो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। सो यहाँ पे पहले लिखा है हेल्थ एंड सेफ्टी स्टूडेंट गाइडलाइंस जो है स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी, तो और गवर्नमेंट की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग में आपको पूरा ध्यान देना गया है, इस पर आपको पूरा ध्यान देना है। एग्जामिनेशन सेंटर पे भी स्ट्रिक्टली इस पर ध्यान दिया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग पे। सेकंड चीज़ यहाँ पे बताई गई है स्टूडेंट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अधार टू गाइडलाइंस एंड मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग हाइजीनिक टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द ओन ऑन फेलो स्टूडेंट स्टाफ एट द एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब पूरा डिस्टेंस पूरा बना के रखना है आप लोगों को। एंड थर्ड थिंग यहाँ COVID-19 की जो यहाँ पे बताई गई है कि स्टूडेंट मे नॉट द डिज़ायर एग्जामिनेशन सेंटर, द यूनिवर्सिटी हैज़ ट्राई टू एकोमोडेट सर स्टूडेंट एंड नियर बाई एग्जामिनेशन सेंटर मैंशन इन द हॉल टिकट। जैसे मान लीजिए कि इसको मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो उसका मतलब ये रह रहा है कि मान लीजिए कि आपने जब एग्जामिनेशन सेंटर आपसे मांगता है, जब आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वो पूछता है कि आप कौन से एरिया में लेना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी एरिया डाल दिया, जैसे कि आपने लाइक संगम विहार डाल दिया या फिर आपने द्वारका डाल दिया, मतलब कोई भी आपने आपके जो नियर बाय होता है आप वही डालना प्रेफर करते हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी भी है और डालनी भी चाहिए। तो इसमें इग्नू बता रहा है कि अभी तो ठीक है लेकिन मे भी हो सकता है कि वो आपका जो सेंटर है वो ना मान के किसी और अदर, मतलब उसी एरिया में आपको किसी दूसरे सेंटर में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बता दी गई है। और यहाँ पे फोर्थ चीज़ में, यहाँ पे फोर्थ लाइन में ये बताया गया है कि एग्जामिनेशन ना दो दो सेशन में जो है वो हेल्ड किया जा रहा है, यानी मॉर्निंग सेशन जो होगा आपका 10 से 1 का होगा और इवनिंग सेशन जो होगा वो 2 से 5 बजे का होगा, मतलब दो सेशन में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपका कौन सा वाला है वो मैं अभी बताऊँगी कोड के हिसाब से कि आपका मॉर्निंग वाला है या फिर आपका इवनिंग वाला सेशन होगा। ड्यूरेशन जो होगा वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का होता है, किसी का 3 घंटे का होता है, अगर 100 नंबर का है तो 3 घंटे का रहता है, 2 घंटे का है तो आपका बेसिकली वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है। फिर इसमें बताया कि हॉल टिकट जो है एलिजिबल स्टूडेंट विल अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे बहुत ही जल्दी आ जाएगी आपकी हॉल टिकट, क्योंकि वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही रिलीज़ होती है जो कि अभी नहीं हुई है। जैसे ही उसका कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो यहाँ पे ये बताया गया है स्टूडेंट में नोट दे देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लास्ट मिनट चेंज, मतलब स्टूडेंट जो है मे बी जैसे होता है कि अगर वो लास्ट टाइम पे भी COVID-19 की गाइडलाइंस की वजह से वो सिचुएशन देखने के बाद भी वो लास्ट मिनट पे भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो सकता है, तो उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो और इसमें लास्ट लाइन में बताया कि आंसर द क्वेश्चन पेपर विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज विच इज़ प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड, मतलब जिसमें आपने अपना मीडियम जो चूज़ किया था, जब आपने अपना यहाँ पे मेंशन जो किया हुआ है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना है, प्रोग्राम में आपने मेंशन किया होगा इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी आपकी लैंग्वेज है तो आप उसी में ही दे सकते हैं, बट यहाँ पे ये भी लिखा है कि आप हिंदी में भी दे सकते हैं। आंसर स्क्रिप्ट अटैम्प्ट होगी किसी अदर लैंग्वेज नॉट बी इवेलुएटेड कैंसिल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट हैव ऑप्शन टू अटैम्प्ट द एग्जामिनेशन कोर्स, मैंने बताया कि हिंदी मीडियम में भी वो दे सकते हैं, ऑफ द सेम इन द इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे बॉक्स में लिखी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तभी इन्होंने बॉक्स के अंदर ये चीज़ मेंशन करी है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट एंड सेशन ऑफ द एग्ज़ाम विल नॉट बी एंटाइल्ड इन केस, यानी कि आपकी जो डेट है वो और सेशन जो चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं वो सेम ग्रुप के हैं, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 तक एग्ज़ाम ऑफ कोर्सेज इन पर्टिकुलर ग्रुप में कंडक्ट किए जा रहे हैं जो कि सेम डेट और टाइम पे हैं, दे कोर्सेज आर बैकलॉग कोर्सेज, और ये बैकलॉग कोर्सेज के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि किसी का सेकंड ईयर का जो पेपर है वो अभी रह रहा था और थर्ड ईयर का पेपर वो इस बार देने जा रहे हैं और उनका सेकंड ईयर का पेपर भी उसी दिन क्रैश कर रहा है जिस दिन उनका थर्ड ईयर का पेपर है, तो इसमें इग्नू रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बताया गया कि जिनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होंगे वो OMR शीट पे होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसी पे होते हैं, वो कौन कौन से प्रोग्राम और कोर्सेज है मैं आपको बता देती हूँ, जूम भी कर दिया है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो प्रोग्राम है BDB BTS BCA BSW और उसका जो कोर्स है वो रहेगा BHSF 101 FST 01, फिर सेकेंड लाइन BNS 041 BNS 042 BLI 011 BLII 012 BLI 1013 BLI
101 PC001, ये मैंने आपको कोर्सेज बता दी हैं, ठीक है। अब हम डेट शीट की तरफ ध्यान देते हैं। ये सारे तो इंस्ट्रक्शन थे जो कि जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थे। अब ये भी जान लेते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम कोड दिए गए हैं, तो आप टेंशन मत लेना कि इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी आपको मैं नीचे जाऊँ तो आपको फेज़ बता देती हूँ कि कौन सा आपका फ़ेज़ है। पहली बात तो मैंने अभी ऊपर ही आपको बताया था कि दो सेशन में एग्ज़ाम डिवाइड हो रहे हैं, दो सेशंस में, एक तो मॉर्निंग वाला 10 से 1 वाला और एक इवनिंग का 2 से 5 का। तो आपका कौन सा वाला है ये ऊपर प्रोग्राम, ये तो टोटल जो प्रोग्राम कोड थे कि कौन कौन से आपके प्रोग्राम है वो दिए गए थे कि आपका BA है, BCOM है, BTS है, ये तो वो प्रोग्राम की बात है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपका वही प्रोग्राम यहाँ पे बताया गया है कि मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। मैंने अभी भी बताया था कि 3 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मैं जूम कर दिया है, जिस दिन मंगलवार है और पेपर आपका स्टार्ट है उस दिन। तो आप यहाँ चेक कर लेना कि आपका मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद 3 के बाद आपको 4 को आपका एग्ज़ाम है, वो भी यहाँ पे कोड मेंशन किए हुए हैं, आप चेक कर लेना। फिर 5 तारीख को एग्ज़ाम है, 6 को भी है, 7 को भी है और 8 को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, 9 को है, फिर 10 को है। आप देख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और अगर आपको ये डेट शीट नहीं मिलती है, वैसे तो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया कि आप ये डेट शीट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें, मैं आपको ये डेट शीट प्रोवाइड करूँगी। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप इग्नू से भी पूछ सकते हैं, उसका इग्नू की क्वेरी के लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, शॉर्ट वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। तो आप उनसे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो, और आपका उसको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन होगा। और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे DM करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद आपका 12 तारीख को एग्ज़ाम है, जो कि सेकंड फेज़ में बताया गया है। फिर 13 तारीख को है, फिर 14 तारीख को है, फिर 16 तारीख को है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे फेजेस बताए हैं कि आपका कौन सा वाला है ये आपको चेक करना है। 17th को भी है, 18th को है और फिर 20 तारीख को एग्ज़ाम है। थर्ड फेज़ का जो है वो 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख है। फिर ये मैं जूम कर रही हूँ, और ये जो है 27, 28, 31। फिर उसके बाद ये फोर्थ फेज़ आ जाता है, ठीक है। फिर ये 1 तारीख को पेपर है, 2 को है, 3 को है, 4 को है एंड ये आपका 8 सितंबर को है, 9 सितंबर को है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये यहाँ तक पेपर चलेंगे आपके। तो आपको कौन कैसे चेक करना है वो मैं बता देती हूँ। बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट वाला पेज है, जो कि 12th of 12th आपने देखा भी होगा, अभी लिखा भी आ रहा था। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम ऑफ ईच एग्ज़ाम विल बी मेंशन ऑन द क्वेश्चन पेपर। वो तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि क्वेश्चन पेपर पे ही आपका जो टाइमिंग होगा, एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो मेंशन किया जाएगा, ठीक है। वो कोर्स के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे BTS का है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, या कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। फिर यहाँ बताया कि एग्ज़ाम ऑफ कोर्स इन अ ग्रुप आर कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट फॉर द कोर्स विल बी एंटाइटल्ड। यानी आप बिल्कुल भी आप चेंज नहीं करा सकते। अगर आपका कोई भी पेपर क्रैश करेगा तो इग्नू रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कोई भी डेट टाइम डेट चेंज नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँगा ग्रुप्स दिए गए हैं, ठीक है। Group 1, Group 2, Group 3 and Group 4, Group 5 and Group 6। तो ऊपर भी यहाँ मैंशन किए हुए थे ग्रुप, जो कि आपने अभी देखे थे। तो ग्रुप फॉर एग्जामिनेशन आर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स रजिस्टर ऑफर। तो ग्रुप 1 में जो भी लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ग्रुप 1 में जैसे EHD लिखा है, 1 लिखा है, ये बहुत सारे कोर्सेज लिखे हैं। तो मैं आपको ऊपर बताती हूँ कि आप कैसे चेक कर पाओगे कि आपका कौन सा वाला है ग्रुप, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम कब, जैसे यहाँ पे लिखा भी है ग्रुप 5 का लिखा है, तो यानी ग्रुप 5 का पेपर जो होगा वो 6 तारीख का है, यानी 6 सितंबर को आपका पेपर है। यानी कि नीचे अगर आप कोर्स देख लेते हैं, जैसे कि जैसे ग्रुप 6 है, EHD 4 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ग्रुप 6 यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, यहाँ देख पा रहे होंगे ग्रुप 6 यहाँ मेंशन है ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको बताया भी था, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मेंशन करा है, जैसे ग्रुप 5 में जाएंगे तो BHD दिया हुआ है, तो ग्रुप 5 में भी ये मेंशन किया हुआ होगा ये कोर्स, और जो कि ग्रुप 5 का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो 6 तारीख को है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप 4 का जो है वो 4 तारीख को है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है ऑलरेडी, और मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई है डेट शीट। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और आप बताइएगा ज़रूर कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।